हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, वॉलीबॉल पे NICL AO प्री का मॉक लाइव हुआ है। अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाइए अटेम्प्ट कीजिए। ये मॉक बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपसे कोई भी चार्जेज नहीं लिए जाएंगे और ये मॉक ट्यूजडे इवनिंग 7 PM तक लाइव रहेगा। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप ऑली बोर्ड के ऑफिशियल साइट olibod.in या तो फिर ऑली बोर्ड के ऐप के थ्रू इस मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं भी जस्ट अटेम्प्ट करने ही जा रहा था, तो आइए मॉक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम का, ठीक है। वन ऑफ द रीजन फीट एंड लेग्स टेंड्स टू स्वेल मोर देन आर्म्स एंड फिंगर्स। बी हेड अ फिल्म फेस्टिवल नहीं, एज स्पेशली डिफिकल्ट टू फॉलो द बिगनिंग नहीं, इट इज सिंपली डेट ग्रेविटी पुल्स द फ्लूड इन बॉडी डाउन टू द लोअर। मतलब ए का एफ तो है, ठीक है, ए का एफ ये नहीं होगा, फिर ए का एफ, बी का डी चेक करके देखते हैं। बिल्डिंग बेटर हैबिट्स इज हार्ड हार्ड एज इट स्पेशली डिफिकल्ट टू फॉलो द बिगनिंग, ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर बी हैड अप्लाइड फॉर फंडिंग टू वर्क ऑन प्रिपेयरनेस फॉर, ऑप्शन है ए का डी ना, डी क्या है, प्रिपेयरनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम गोल्स, नहीं ये तो गलत है। रिसर्चर्स ऑफ्टन डिपिक्ट द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन मच एज मैप मेकर्स माइट रो नेशन एंड कंटिजेंट, ठीक है, कंटिनेंट से, ठीक, मच एज मैप्स माइट ड्रॉ नेशंस, तो बी का ई तो है, तो सी का एफ देखते हैं। कंपीटिंग इन मेडन पैरालंपिक्स गेम्स पटेल रैंक्ड 12 इन वर्ल्ड ट्रैफिक सी एफ, इसके आंसर सी और एफ ये है, ठीक है। डेजर्ट डेजर्ट बी ऑल्सो सी अ डेजर्टेड लैंडस्केप सिली कॉप्स एंड क्रिमिनल्स विथ ट्विस्टेड सेंस ऑफ फैशन, ठीक है। चांसेस आर द एस्ट्रॉयड विल हिट्स वन एशियन, डेजर्टेड और माउंटेन्स, डेजर्ट एंड माउंटेन्स, ठीक है, ओशियन डेजर्ट एंड माउंटेन्स। ही पॉइंटेड आउट डेट अनयूज फिशिंग नेट्स आर डेजर्टेड एट द लेक, इसका आंसर ऑल एज रेने सेट डाउन टू स्टीयर हर टी, स्टीयर क्लियर ऑफ एनी बॉटल नेक इन द प्रोजेक्ट एज वी नियर द सबमिशन डेडलाइन, जेम्स पुट फॉरवर्ड अ लिस्ट ऑफ डाउट इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स एंड रिक्वेस्टेड अ स्टीयर फ्रॉम, ठीक
जेम्स पुट फॉरवर्ड अ लिस्ट ऑफ डॉट इन फ्रंट ऑफ द मेंबर एंड रिक्वेस्टेड अ स्टीयर फॉर देम। ये कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है, इधर सेकेंड थर्ड हो या तो फिर फोर्थ। इन द पैसेज गिवेन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फंडामेंटली टू ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस क्लाइमेट चेंजेस एंड सॉइल डिग्रेडेशन बॉइल डाउन टू अ सिंपल बॉइल डाउन टू अ सिंपल सिंपल धैरिंग बॉइल डाउन टू अ सिंपल कंट्रास्टिंग सिंपल पैरिटी पैरिटी बैलेंस पॉइंट। देर इज टू मच कार्बन इन द एयर एंड नॉट इनफ इन द ग्राउंड एंड फॉर गाय हडसन एंड टेगन नॉक द सोल्यूशन इज पेटेंटली ऑब्वियस द डुओ आर द को फाउंडर्स ऑफ सॉइल कार्बन एंड ऑस्ट्रेलियन एग्री टेक स्टार्टअप स्पेशलाइजिंग इन इट टर्म्स स्पेशलाइजिंग इन टर्म्स वो माइक्रो मेडिएशन कार्बन सिक्वेंस या मेथड ऑफ रिमूविंग कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर वाया माइक्रो माइक्रोबियल फंगी एंड बैक्टीरिया द टेक्नोलॉजी इन क्वेश्चन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अप्लाइड टू सीड्स डेट कन्वर्ट्स एटमोसफेरिक कार्बन इन टू अ मोर स्टेबल कंपाउंड विच कैन देन बी स्टोर्ड डीप इन द ग्राउंड। प्रोबेबल फॉर सेंचुरीज प्रोबेबल फॉर सेंचुरीज द स्टार इंग्रेडिएंट इन द सीड्स ट्रीटमेंट इज ब्लेंड ऑफ माइक माइक्रोबियल फंगी कॉल डार्क सेप्टेट इंडोफाइट्स विच लिव्स सिम्बोटिकली इन रूट ऑफ द होस्ट क्रॉप्स एंड ग्रो अलोंग विद द प्लांट्स देयर देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, these compounds these depositions in soil macro aggregating clumps of soil that provides an oxygen free environment conducive to long term carbon storage as Nock explains it creates a concur situations for both air and soil। ठीक हियर पेंडिंग रिजल्ट्स ऑफ देयर टेस्ट्स डायरेक्ट ऑप्शन से देख रहा हूँ इवन आफ्टर एडमिटिंग पेशेंट्स हु हैड नॉट टेस्टेड पॉजिटिव डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नियरली ये तो नहीं लगा ये करी इल्स हियर पेंडिंग रिजल्ट्स ऑफ देयर टेस्ट्स test even after admitting patients who had not tested positive designated government hospital has nearly 700 bed laying empty
लाइंग इन पेटी एंड हु कुड वेल हैव बीन सेक्वेस्टर्ड, ये भी नहीं है। फिर इवन आफ्टर एडमिटिंग पेशेंट्स हु हैज नॉट टेस्टेड पॉजिटिव पॉजिटिव एंड हु कुड वेल हैव बीन थर्ड इल्स वेयर पेंडिंग रिजल्ट्स ऑफ देयर टेस्ट, यही है। ईटिंग ऑर्गेनिक वेयर एवर पॉसिबल द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर वाटर और प्लानेट एंड, ये तो नहीं लग रहा है। वी कैन हैव इनॉर्मस पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ऑन बाई सिंपली गोइंग वेजिटेरियन, नहीं ये भी नहीं है। सीख हो जाएगा बाई सिंपली गोइंग वेजिटेरियन कंज्यूमिंग कॉन्शियसली एंड ईटिंग ऑर्गेनिक वेयर एवर पॉसिबल वी कैन हैव एन इनॉर्मस पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर वाटर प्लांट, सही है। बी विथ पेन फॉर इंड्योरेंस एथलीट्स इन पार्टिकुलर, इन पार्टिकुलर एथलीट्स हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, नहीं सी हो जाएगा। एथलीट्स हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विथ पेन, द इंड्योरेंस एथलीट इन पार्टिकुलर पेन इज एन एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस, ये है। इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग लोन ही बोरोड अनदर और एडिशनल एक साथ, सी गलत है। फिर आई हैव अ फूड विथ मी, आई हैव अ फूड, सो वी ऑल कैन हैव प्रॉपर लंच, सी डज नॉट विल गो टू द पुलिस स्टेशन टू लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट यू, सी डज नॉट इन अटेम्प्ट टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट द मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आई नेविगेट ईच डे आवर ब्रेन ऑफ्टन रिलाई ऑन ह्यूरिस्टिक्स अ मेंटल शॉर्टकट डैट अलाउ अस टू मेक जजमेंट क्विकली एंड एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रामेटिकली मिस्टेक, ठीक है लिखा इकोनॉमिकली बैकवर्ड बैकवर्ड कंट्रीज रिलाई आइदर पार्टली और होली डिपेंड ऑन डेवलपमेंट डिपेंड ऑन डेवलप्ड इकोनॉमी, इन क्रूशियल टाइम्स सच एज अवर डेवलप्ड इकोनॉमीज, डी लग रहा है डेवलप्ड इकोनॉमीज, इकोनॉमी होना चाहिए। इंडियाज इम्पोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल हैव राइजन फ्रॉम अ वेरी लो वास एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर रीचिंग अ पीक इन जून जुलाई एंड लार्जली मेंटेनिंग, थ्रू टू नवंबर, ठीक है। इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल हैव राइज फिर लोगोस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर रीचिंग अ
पीक इन जून एंड जुलाई एंड लार्जली मेंटेनिंग लार्जली मेंटेनिंग डी लग रहा है। ठीक है, हाउ हाउ एवर कोस्टल प्लेस सच एज चेन्नई आर मिसिंग आउट एज रिलेटिवली वार्म वेदर हैव बीन प्रिवेलिंग दिस मंथ। हाउ एवर कोस्टल प्लेसेज सच एज चेन्नई आर मिसिंग आउट एज अ रिलेटिवली वार्म वेदर हैव बीन प्रिवेलिंग दिस मंथ। रिलेटिव वार्म हैड बीन प्रिवेल्ड रिलेटिवली वार्म वेदर हैज बीन प्रिवेलिंग दिस मंथ। Prevailed through all this uncertainty, appears a man confused what he want. Through all these uncertainties, appears a man confused what he want. Each man arises confused about. A woman emerged without knowing it. Emerged a man confused about what he wanted. I think the last little things that was critical that made him to win the last few matches. Important which led me to meet the opponent had a vital role. I think the last little things that had a vital role which helped him win the last. That was crucial, which made him win the last few slams. Take. I hope my team's mate and coach will not object to me playing in a defensive position. My teammates and coach will not object to me playing in a defensive position. Slow shots. Playing in such a manner. Defensive object will not object my defensive style of playing. Take it. Which of the following antonyms of the word rare mentioned in the passage? Rare. It is rare occurrence, ठीक है? Rare का common हो जाएगा. Synonyms of the word contain. Comprise, disbelieve, release, realize, नहीं comprise होगा. Which of the following best suited to fill in the blanks? ठीक है. To do this, you should consult a geologic map, which explain the locations.
बीच एक्सप्लेन नहीं, मैप डिस्प्ले होगा, मैप डिस्प्ले द लोकेशंस फीचर्स एंड एज ऑफ द रॉक। नहीं, एक्सप्लेन ही होगा सही। अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू विच कंट्री वुड यू ट्रेवल टू स्टडी? क्वालाज, यू हैड ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी कंगारूज और टू चाइना टू स्टडी कोलाज। ओ सिट मैन, चाइना था आंसर इसका। इलेवन पर्सन से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सिट अराउंड सर्कुलर टेबल्स एंड फेसेज आउटसाइड द सेंटर्स ऑफ द टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नाइदर बी नॉर डी सिट्स एडजसेंट टू ए। ठीक है, एक सेकेंड। इलेवन पर्सन, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। नाइदर बी नॉर डी एडजस्टेंट टू ए, ए के बगल में बी और डी नहीं है। ठीक है, नाइदर ई नॉर सी इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जे के बगल में ई सी भी नहीं है, ई और सी नहीं है। आइदर फोर परसेंट सीट बिटवीन ए एंड जे, ए और जे के बीच चार। वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए, ए के राइट से काउंट करेगा तो 4%। क्या लिखा है, आइदर 4 और 6% सीट बिटवीन ए एंड जे, 4 या 6%। ठीक है, बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के थर्ड लेफ्ट में बी है। बी सी थर्ड टू द राइट ऑफ जे, जे सॉरी यही सम गलती हो रहा है, जे के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में। बी सी थर्ड टू द राइट ऑफ जे, 3% सीट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 3% बैठा है। ए 2 सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के फिफ्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, ए 2 सीट्स फिफ्थ लेफ्ट के सीट्स एच सीट्स एडजेसेंट टू सी, एच सीट्स एडजेसेंट टू सी। ई सीट्स इमीडिएटली राइट ऑफ आई, आई के इमीडिएटली राइट में ई, ई बैठा है। ठीक है, एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में एफ है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए के राइट में 4% बैठा है ए और जी के, ए को यहाँ पे लेते हैं, 1 2 3 4, जे यहाँ पे एक में, ए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, छोड़ के जे यहाँ पे हो गया। ठीक है, जे यहाँ पे जे के 2 छोड़ के बी राइट साइड में, 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे, ए के बगल में बी नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी तो हमारा गलत हो गया। यहीं पे ये वाला हो जाएगा, जे यहाँ पे, जे के थर्ड राइट में बी यहाँ पे हो जाएगा। बी 3 छोड़ के सी, 1 2 3 छोड़ के सी, सी जे के बगल में सी नहीं बोला है तो बी इस साइड में हो जाएगा। बी 1 2 3 छोड़ के सी, तो सी यहीं पे होगा। ठीक है, सी के बगल में एच बैठा है, एच के लिए यही एक जगह होगा, एच एच 2 2 4 छोड़ के, 1 2 3 4 छोड़ के लेफ्ट में, तो के यही साइड होगा। ठीक है, अब देखिए बोला है जी 2 छोड़ के एफ, जी के थर्ड राइट में एफ है, जी यहाँ पे बैठेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट नहीं होगा, जी यहाँ पे भी नहीं, जी को यहाँ बैठाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एफ यहाँ पे होगा, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो गया। और है आई के इमीडिएट राइट में ई,
आई के इमीडिएट राइट में ई यहाँ पे, और एक पर्सन क्या बचा है, ए के बगल में डी नहीं है, डी ही बचा है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा सही। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड के, आई और के बीच में, आई का आई यहाँ पे, दो दो चार दो छः दो आठ, आठ पर्सन है। आई और के बीच में एक और आठ सही है। व्हाट इज द पोजिशन एफ विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजिशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी से फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट सही है। इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ए से ना, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, सिर्फ एक पर्सन है, लेस देन टू, इंक्लूडिंग क्या था, एक्सक्लूडिंग है, तो लेस देन टू ही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑड फ्रॉम द रेस्ट, ए ई सी, ए ई सी ठीक है, एच बी, एच बी एफ ठीक है, डी डी जी जे, डी जी जे सेकेंड ही ऑर्डर, ए और डी इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए और डी इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में कितना पर्सन बैठेगा, डी और एफ के बीच में हो जाएगा दो दो चार एक पाँच, पाँच पर्सन बैठेगा ठीक है। आर इज 9 मीटर साउथ ऑफ क्यू, एक सेकेंड, व्हाट इज द शॉर्ट, ओ सॉरी क्या क्या करने लग जा रहे हैं। आर इज 9 मीटर साउथ ऑफ क्यू, क्यू के 9 मीटर साउथ में आर यहाँ पे ठीक है, ए इज 8 मीटर वे ईस्ट के ना, ईस्ट ऑफ आर, ए इज 8 मीटर ईस्ट, ईस्ट इस साइड में ठीक है, डब्ल्यू इज 15 मीटर साउथ ऑफ ए, ए के 15 मीटर साउथ में डब्ल्यू है ठीक है, पॉइंट जी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, जी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, इतना आसान। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर हो जाएगा 15 15 है 225 68 64 5 4 9 6 2 8 17 17 है 289 7। पॉइंट क्यू इज विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, इज इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ठीक है, इसको फिलहाल मार्क पर रिव्यू लगा दे रहे हैं, लास्ट में रख के, लास्ट के लिए रख रहे हैं इसको। 7 पर्सन इंजीनियरिंग स्टूडेंट ए डी एच के एम आर एंड जेड लिविंग इन 7 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, व्हाट आर मोस्ट फ्लोर इज, ठीक है इसके लिए तो जगह चाहिए यार। सात फर्स्ट फ्लोर था, 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है, दो है एक दो, 3 पर्सन लिव्स बिटवीन एच एंड आर, एच एंड आर, आर हु लिव्स एबव एच मतलब आर ऊपर है, आर 1 2 3 छोड़ के एच ठीक है, और लाइक ई डी, कौन लाइक भाई मतलब एच आर हु लिव्स एबव एच, आर लाइक ए डी है ठीक है, के लिप्स इमीडिएटली हो, एम एम से इमीडिएटली हो, अब के है ठीक है, और हु लाइक बी सी सी ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिप्स बिटवीन ए एंड जेड, ए और जेड के बीच में 1 पर्सन है, जेड हु लाइक्स, लाइक्स नहीं, हु लिप्स इमीडिएटली हो एच, जेड लिप्स इमीडिएटली हो एच ठीक है, द पोजिशन द पर्सन हु लाइक बी ई ई
लीव से इमिडिएटली अभव, डी से इमिडिएटली अभव है जो बीईई है, ठीक है, एंड इमिडिएटली बिलो द पर्सन हु लाइक्स फिजिक्स, मतलब फिजिक्स बीईई और डी तीनों एक साथ है, ठीक है। के डज नॉट लाइक केमिस्ट्री, के केमिस्ट्री लाइक नहीं करता है, ठीक है। द पर्सन हु लाइक सी एस बिलो द वन हु इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बिलो सी एस है, ठीक है। अब देखो आर एक एक दो तीन छोड़ के एच था, तो 3 2 5 हो गया, और एच के जस्ट नीचे बोला है जेड है, एच के जस्ट नीचे बोला है जेड है, ठीक है, जेड हो गया। जेड एक छोड़ के ए बोला है, तो एक छोड़ के ए अगर नीचे लेते हैं तो 8 हो जाएगा, नहीं तो ये ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो गया। अब बचा क्या, अब बोला एम से इमीडिएट ऊपर के है, एम से एम को यहाँ रखेंगे तभी इमीडिएट ऊपर के है, ठीक है, एम बी से सी है, ठीक है, और एक पर्सन बचा है डी, तो डी ओ दे यहाँ पे देखो डी से इमीडिएट ऊपर बी है यहाँ पे तो रखेंगे, तो डी से इमीडिएट ऊपर बी तो हो जाएगा, लेकिन बी से ऊपर फिजिक्स नहीं हो पाएगा, ये गलत हो गया, यहीं पे होगा डी सबसे लास्ट में। और बोला है ये कैसे हो गया केमिस्ट्री और सी एस, ओ हाँ केमिस्ट्री से नीचे सी एस है, बिल्कुल सही है, भी सब्जेक्ट के लाइक हो जाएगा मैथमेटिक्स, के लाइक मैथमेटिक्स, 4 of the 5 आर रिलेटेड टू द सेम मैनर, ठीक है, ऑटो वन आउट है ना, एम एच आर ए, ये डिफरेंट है। हाउ मेनी पर्सन लिव्स एबव द पर्सन हु लाइक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से एबव 1 2 3, ये लिव्स इमीडिएटली एबव एच हु लाइक्स फिजिक्स, एच फिजिक्स सही है, अस्टेबल स्टेबल कंडीशन मल्टीपल प्लेस ठीक है, अर्थ सिंपल प्लेस ग्लास, अर्थ सिंपल प्लेस ग्लास ठीक है, अप्लाई स्टेबल टेस्ट प्लेयर, अप्लाई स्टेबल टेस्ट प्लेयर ठीक है, मल्टीपल गेम प्लेयर सिंपल, मल्टीपल गेम प्लेयर सिंपल ठीक है। अब हो गया सी आई जेड एल आई पी एम ओ बी और टी ओ एम ठीक है, पी आई के एम ओ बी तो है, जी आई बी और एच आई पी ये भी सही है, एल आई पी एन ए जेड एल आई पी एन ए जेड पी आई पी और जे आई एन सही है, टी यू एम डी आई पी टी यू एम डी आई पी जे आई एन पी आई के जी इनफैक्ट ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर पी पी आई के ना, पी आई के कहाँ है, पी आई के कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में, सिंपल व्हाट इज द कोड फॉर ग्लास, ग्लास कहाँ है, ग्लास हो जाएगा आइदर जी आई बी और एच आई पी, कैन नो डिटरमाइंड सही है। इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रिक्ट रूल गेम इज कोडेड एज इतना, देन द व्हाट इज द कोड ऑफ सिंपल रूल अप्लाई, सिंपल हो गया पिक रूल, यहाँ पे क्या था भाई, स्ट्रिक्ट रूल गेम, रूल HDW HDW और हो जाएगा
अप्लाई अप्लाई कभी कुछ नहीं हुआ था। पी आई पी है, पी आई पी तो नहीं है भाई, नहीं होगा। पी आई के एन ए जेड, एन ए जेड ये भी नहीं होगा। सी आई जेड पी आई के है नहीं, पेन नोट भी डिटरमाइंड हो जाए। नहीं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको बाद में देख। व्हाट इज द कोड फॉर सी आई जेड और मॉब? सी आई जेड का सी आई जेड हो जाएगा तुम्हारा कंडीशन, कंडीशन प्लेस प्लेयर कंडीशन प्ले सॉरी प्लेस कंडीशन है भाई, प्लेस प्लेयर कंफ्यूज हो रहा है, प्लेस सही है। प्लेस कंडीशन के ग्रेटर देन डब्ल्यू एम, के ग्रेटर देन पी बी, और पी बी ग्रेटर डब्ल्यू एम गलत है। पी पी ग्रेटर देन एस एस, पी पी इक्वल टू डब्ल्यू भी, तो एस एस सही है। ओनली सेकेंड फॉलो। जेड ग्रेटर देन जी, जेड ग्रेटर देन सी और सी ग्रेटर देन जी सही है। टी ग्रेटर इक्वल टू एफ, टी ग्रेटर देन एफ सी, ये गलत हो जाएगा। जेड ओनली वन फॉलो हो जाएगा इसका। जेड ग्रेटर देन जी, जेड ग्रेटर देन सही है। ए ग्रेटर इक्वल टू टी, ए ग्रेटर इक्वल टू टी सही है। जी ग्रेटर देन सी, जी ग्रेटर देन बाई और बाई ग्रेटर देन सी बिल्कुल सही है। बहुत इसका 5% ए बी सी डी पार्टिसिपेटेड इन पेंटिंग कॉम्पिटिशन, दे विल हैव पेंट द सेकेंड हाइएस्ट नंबर, पेंटिंग इज नो बट नॉट पेंटेड बाई बी और ई। 5% 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। 5 में से बोला है सेकेंड हाइएस्ट वाले का 9 है, 9 लेकिन बी और ई नहीं है ठीक है। सी हैज पेंटेड लोएस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग, सी हैज लोएस्ट, सी यहाँ पे हो जाएगा। ई हैज पेंटेड मोर नंबर ऑफ पेंटिंग देन ए, मतलब ई ग्रेटर देन ए है ठीक है। ए हु पेंटेड ओनली 3, ए हु पेंटेड ओनली 3 ठीक है। ई हैज नॉट पेंटेड द हाइएस्ट नंबर, मतलब ई यहाँ पे नहीं है, ई यहाँ पे नहीं है, ई यहाँ पे भी नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे ई से ग्रेटर, ए से ग्रेटर ई हो जाएगा, यहाँ पे बी नहीं है, बी यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द पेंटिंग मेड बाई ए और ई, ए और ई इज 8, तो ए इज 3 है तो ई इज 5 हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द पॉसिबल नंबर ऑफ पेंटिंग देन बाई सी ई, सी और ई 5 2 7 या 5 1 6, 6 7 इधर हो जाएगा। हु हैज पेंटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग, हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग बी के द्वारा पेंट किया गया। डेमोक्रेटिक, इसको फिलहाल मार्क फॉर रिव्यू लगा दे रहे हैं। 8% है देव बर्थडे से इक्वल्स ओनली 8% है जिसका बर्थडे है, 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है। ओनली 2% है बर्थडे आफ्टर पी, पी के बाद 2 है तो पी यहाँ पे 2 ठीक है। 3% है बर्थडे बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में 3% है फिलहाल लिख दे रहे हैं ठीक है। डब्ल्यू हैज बर्थडे इमीडिएटली बिफोर आर, आर से इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू है ठीक है। क्यू बर्थडे इमीडिएटली बिफोर टी, टी से इमीडिएटली बिफोर क्यू का, क्यू बर्थडे इज इमीडिएटली बिफोर टी बर्थडे ठीक है। भी बर्थडे इज बिफोर यू, भी बर्थडे इज बिफोर यू बट आफ्टर क्यू, क्यू के बाद है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, टी से इमीडिएट ऊपर क्यू हो गया, क्यू हो गया, क्यू
हो गया क्यू के बाद भी, और यू भी ये वाला में तो जगह ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद तीन का जगह नहीं है। क्यू भी यू सही है। वे अमंग द फॉलोइंग है बर्थडे बिफोर डब्लू, डब्लू से पहले है टी और क्यू, बोथ हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। द नंबर ऑफ पीपल हैव बर्थडे बिफोर टी इज सेम एज आफ्टर यू। फाइंड द ऑड वन पेयर, क्यू इज रिलेटेड टू डब्ल्यू, सॉरी ओनली अ फ्यू केब्स आर। इसका तो इधर हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सम और नो है। शिट मैन, 8 year ago द रेशियो ऑफ आर, इसको फिलहाल मार फिर भी अलग, और लास्ट में सब करेंगे। इफ द रेशियो ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय रोनाल्डो अगेंस्ट बार्सिलोना, रोनाल्डो अगेंस्ट बार्सिलोना, बार्सिलोना एम यू और रियल, 2 2 4 1 5 5 का वैल्यू 250 है, तो 2500 100 इसका 50, तो फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द गोल्स स्कोर बाय रोनाल्डो 50, तो 50 का ही डिफरेंस होगा फिर तो। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल गोल्स स्कोर्ड बाय मेसी इज 20% फ्रॉम फ्री किक, 40% फ्रॉम पेनाल्टी एंड रेस्ट आर फ्रॉम हेड, तो 40 20 60, मतलब 40 बचा 40। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय 40% एवरेज गोल स्कोर्ड बाय हिम फ्रॉम हीडर एंड पेनाल्टी, हीडर और पेनाल्टी है फ्री किक, 40 40 80 80 भागा 2 40 हो जाएगा, 40 है किसका, मेसी का, मेसी का 40% क्या हो जाएगा, 500 का 40%, 5 का 20 200। गोल स्कोर्ड बाई माराडोना वाज व्हाट परसेंट ऑफ दी गोल्स स्कोर्ड बाई नेमार, व्हाट परसेंट माराडोना, मैराडोना कितना है, मैराडोना हो गया तुम्हारा 1500, 1500 750, इसका तो सीधा सीधा डबल 200%। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय पेले इन क्वालिफायर ऑफ प्रीमियर लीग इज 40% ऑफ हिज टोटल गोल इन क्वालिफायर, क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स बाय पेले इन क्वालिफायर ऑफ द प्रीमियर लीग हैज ए लीग इफ ही हैज स्कोर्ड 40% ऑफ द टोटल गोल्स, जितना पहले ना पहले है 1250, इसका 40 125 दूनी 250 250 250 500 गोल। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गोल स्कोर्ड बाय रोनाल्डो और मेसी टुगेदर, रोनाल्डो और मेसी, रोनाल्डो और मेसी हो गया 250 500, 750 750 इस तो हो जाएगा, गोल्स स्कोर्ड बाय पेले, पेले हो जाएगा 1225, 1250 109 109, 25 375 3 5 5 3:5। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो दोनों साइन माइनस माइनस सी एन डी, इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस प्लस का माइनस माइनस, इसका हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो हो जाएगा 9 चौक 36, 9 और 4, इसका हो जाएगा 7 चौक 28, मतलब हो जाएगा बाई ग्रेटर इक्वल टू एक्स, बाई ग्रेटर इक्वल टू एक्स, ये बाई ग्रेटर इक्वल टू एक्स, ये रहा दो ही क्वेश्चन, इसको फिलहाल मार्क फॉर रिव्यू लगा दे रहे हैं, लास्ट में टाइम मिला तो बनाएंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल डीजल सोल्ड बाई पेट्रोल पंप ऑन थर्सडे, थर्सडे का हो जाएगा, पहले इसका टेबल बना ले रहे,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। जिसमें दिया है डीजल वाला है कितना, पेट्रोल और डीजल, ठीक है। डीजल का दिया है 48, 64, 56, 108, 28, ठीक है। तीन का वैल्यू 48 है तो एक का वैल्यू 16 है तो 16 50 80 हो गया, ठीक है। चार का 64 है तो 32 16 64 तो 48 हो गया, ठीक है। सात सती 8 56, 8 9 72 हो गया, ठीक है। नौ बरनवा 8 होता से तो 12 25 60 हो गया। 7 चौक 28 4 4 चौक 16, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल एंड डीजल सोल्ड बाई पेट्रोल पंप ऑन थर्सडे, थर्सडे 60 40 100 48, 48 का डिफरेंस है। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सोल्ड ऑन फ्राइडे, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सोल्ड ऑन फ्राइडे हो जाएगा 16 इज व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ डीजल सोल्ड ऑन ट्यूजडे, डीजल ट्यूजडे को है 64 16 64 1/4 25%। फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सोल्ड ऑन मंडे, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे 80 टू द रेशियो है ना क्वांटिटी ऑफ डीजल सोल्ड ऑन फ्राइडे, डीजल फ्राइडे है 28, 80 क्या था 40 14 7 20 20 7, ठीक है। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल ऑन डीजल सोल्ड बाई पेट्रोल पंप ऑन वेडनेसडे, पेट्रोल और डीजल वेडनेसडे को 6 2 8 7 5 12 128, 128 लीटर। फाइंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ डीजल सोल्ड बाई पेट्रोल पंप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एवरेज क्वांटिटी ऑफ डीजल सोल्ड बाई पेट्रोल पंप मंडे, डीजल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, डीजल मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 48 56 हो जाएगा 104, 104 और 28 132, 132 132 भागा 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 44, 6 6 12 के 2 बाकी, 1 5 2 10 11, ठीक है। 7 6 42 के 2 बाकी, 4 7 5 35 4 39 हो जाएगा 2 3 0 4 40 32 -81 8 8 1 8 88 64 648 12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 4 जाएगा 8 हो गया, फिर 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा 33 84 आंसर है, 33 84 रहा। ये हो जाएगा 75% ऑफ 5700, 5700 मतलब 75% 3/4, 4 भागा 5700 अगर देते हैं, 4 1 4 4 4 16, 4 2 8 4 5 14 25 14 28 36 42 75, 42 75 भागा 38, 1 बार में 38, 40 42 4 47, 1 बार में 38, 9 111 या 12, ये रहा 110, ठीक है। 4 8 करना 36 8 54 8 72, 72 इंटू हो जाएगा 72 2 140, 2 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 को 2 से भागा देगा तो 1 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स इंटू, ये हो जाएगा 8 का 3 गुने 24, 24 का 24 24 576 गुने 24, 6 6 24 के 4 बाकी 2, 6 6 7 6 28 2 30 के 0 बाकी 3, 7 6 28 नहीं 5 6 20, 20 3 23 हो जाएगा, 6 2 12 के 2 बाकी 1 हो गया, 7 14 15 के 5 बाकी 1 हो गया, 5 2 10, 4 2 8 -20 4 2 8 1000, 824, 48 24,
छः हो जाएगा, 6 3 18, 324 -18, 8 6 32 के तो बाकी थी, 8 2 16 3 19 के नौ बाकी है, 8 3 24 25, 4 2 3, 2 9 4 13 3 बाकी, 5 2 7 1 8 3 2 5 -8000, 20 भी सही है, 400 20 का क्यूब फिर कितना होगा, 8000, ये 5 ही हजार है भाई। इसको मार्क फोर भी लगा दे रहे लास्ट में करेंगे, बन कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ गलत हो जा रहा है। 35 35 का 120%, 120 हो जाएगा, 100% हो जाएगा, मतलब 35 ही और 20%, 5 3 2 7, मतलब 120 और 7 27, 127 अगर माइनस हो जाएगा 10, मतलब हो जाएगा 10 माइनस करेंगे, और ठीक 856 के चुपा के 5 11 88 2 90 3 93, 8 1 8, 8 6 32, 120 का 35% हो जाएगा कितना, 120 का 35% 70% हो जाएगा, 60 का अगर 70%, 46 माइनस हो जाएगा 10, 32 32 वाला 8, 8 6 32, 4 हो जाएगा, 380, 392, 392 नहीं सॉरी 342, 306, 272 क्वेश्चन मार्क, 210, 10 में से 2 जाएगा, 8 8 में से 4 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 38 हो गया, 12 में से 6 जाएगा, 6 हो गया, यहाँ 3 में से 36 हो गया, 34 होना चाहिए, 6 में से 2 4 34, तो यहाँ 32, 0 यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 240 आना चाहिए, सही है। अब 8 23 68, 8 23 68, 203 क्वेश्चन मार्क, 18 23 18 23, ठीक है, 8 3 24 -1 23, 23 कितने, 46, 23 69, 69 -1 68, और इंटू 3 -1, ठीक है, इंटू 3 -1, 3 3 9, 9 -1 8, 8 तो सिर्फ एक ही में है, यही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क 40, क्वेश्चन मार्क 40, 72 98, 115 120, ठीक है, यहाँ से अगर डिफरेंस लो तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस करने से 17 आ रहा है, ठीक है, 98, फिर 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा 2, 26 का आ रहा है, फिर 12 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, 32 का आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर डिफरेंस करो, 17 में से 5 जाएगा तो 12 है, 26 में से 17 जा रहा तो 9 है, यहाँ पे 6 है, मतलब तो यहाँ पे ऑब्वियस है 3 होना चाहिए, 3 कब आएगा, जब 32 3 35 आएगा, 35 40 में से 35 कटेगा तो 5 आएगा आंसर, ये हो जाएगा -14 -5 20 क्वेश्चन मार्क, 190 359, 15 -5 और +20 तो हो जाएगा 25, 25 15 4 19, 19 हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 25 हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा भाई, 90 मतलब 10 हो जाएगा, 169 हो रहा है, 25 बस, -14 -5 9 हो जाएगा, 9 25 मतलब 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 7 49 हो जाएगा, 49 -20, 7 7 49 और 20 69,
हम लोग इसको कर लेते हैं, देखते हैं। दो क्रूज है, देयर आर टू क्रूज शिप, एम एंड एन कैरी, एक सेकेंड, टू क्रूज शिप है, एम और एन, ठीक है, और है कैरिंग मेल और फीमेल गेस्ट, मेल और फीमेल है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल गेस्ट ऑफ शिप एम, एम का मेल, एम मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट ऑफ शिप एन, एन का शिप, एम मेल और एन फीमेल, दोनों का रेशियो है 9:8, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट ऑन शिप एम इज 120, नंबर ऑफ एन फीमेल है ना, एन फीमेल, द नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट ऑफ शिप एम है, एम फीमेल इज 120 मोर देन द नंबर ऑफ मेल गेस्ट, एन मेल प्लस 120, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ मेल गेस्ट ऑन शिप एम एंड एन इज 320, मतलब टोटल हो जाएगा 32 64, 640 टोटल हो जाएगा, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट ऑन शिप एम इज, एंड द नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट ऑन शिप एम इज 25% मोर देन दैट ऑफ ऑन शिप एन, 25% मोर है एन से, एन के फीमेल से। तो ये मतलब मान लीजिए चार है तो ये पांच हो जाएगा, चार है तो ये पांच हो गया, तो ऐसे कैसे हो सकते हैं भाई, कोई डेटा तो दिया नहीं। 640, 5 4 का रेशियो, ये पांच का वैल्यू है, रेशियो दिया है ना यहाँ से, चार और पांच, ये हो गया एन फीमेल, एन का मेल हो गया ना, एम का मेल, एम मेल ये रहा, तो एन फीमेल, एन का फीमेल, एन का फीमेल ये है ना, एन का फीमेल कितना है, आठ दिया है रेशियो में, यहाँ पे चार है, चार दूनी आठ, अगर 200 है यहाँ पे, अगर 250 होगा फिर, दो सौ है तो 250 है इधर भी, नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बनेगा लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8 year ago the ratio of the Arab age and the नरीन एज वॉज 2:7, 8 year ago, अरब और नरीन, नारीन एज वॉज 2:7, 2:7, ठीक है, 8 year ago है, +8 +8, ठीक है। द रेशियो ऑफ अरब एज 5 year हेंस, अरब का एज 5 साल बाद हेंस, एंड नरीन एज 10 year हेंस, 10 साल बाद, इज 5:12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x+7 8 5 13, ये हो जाएगा 7x+18 इज इक्वल टू 5/12, 12 2 24, 1+13 12, 156, 156 इज इक्वल टू हो जाएगा 35x+18 95, 90 इधर माइनस करेंगे तो 24 24 10 34, 11x इज इक्वल टू हो जाएगा 90, मतलब 56 66, एक्स इज इक्वल टू 6। तो पूछा है कितना वाट इज द एज ऑफ आरब आफ्टर 4 year, आरब का एज आफ्टर 4 year हो जाएगा 6 2 12 8 20 4 24, ठीक है। इसको नहीं करूँगा, इसको देखता हूँ बाद में। द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 3:2, CP और MRP,
3:5 के रेशियो में है, ठीक है। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 60% का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट ये हो जाएगा, अगर मान लो इसको 500 या 300, 60% का डिस्काउंट दे देगा तो कितना का डिस्काउंट हो गया, 300 का डिस्काउंट दे दिया तो ये 200 का, तो 100 का लॉस हो गया। सोल्ड एट 126, तीन चौके 12, तीन दूनी 6, 42, एक का वैल्यू 42 है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ओह शिट मैन, दोस्तों मॉक सबमिट हो गया, आइए स्कोर देख लेते हैं। इस मॉक में मैं टोटल 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 55 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 11 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, और मेरा स्कोर बना ओनली 52.25। अगर सेक्शन वाइज देखें तो इंग्लिश में मैं टोटल 24 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 14 करेक्ट हुए, 10 क्वेश्चन यहाँ से गलत हुए, तो सारा क्वेश्चन गलत जो भी 11 हुआ उसमें से 10 तो इंग्लिश में ही होंगे, और इंग्लिश में मेरा स्कोर बना ओनली 11.50। वहीं लॉजिकल रीजनिंग में मैंने टोटल 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 20 क्वेश्चन करेक्ट हुए, 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, और लॉजिकल रीजनिंग में मेरा स्कोर बना 19.75। वहीं क्वांट सेक्शन में मैं टोटल 21 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था, जिसमें से सारे 21 क्वेश्चन करेक्ट हुए और मेरा स्कोर बना 52.25। दोस्तों अगर मॉक की लेवल की बात करूँ तो मॉक का लेवल बहुत हार्ड नहीं था, अभी और भी इजीली कम से कम 10 से 15 नंबर इजीली और स्कोर किए जा सकते थे, बट मैं लापरवाही किया था थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में, क्योंकि मैं डायरेक्ट फ्लो में जाता गया, मतलब मुझे, और इसके वजह से मेरा सीलॉग के क्वेश्चन छूटे हैं। आप ये चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, कोई नहीं, नेक्स्ट मॉक में इसका ध्यान रखेंगे, और बाकी देखते हैं इंग्लिश में जो इतने सारे गलत हुए हैं तो ये सॉल्यूशन मॉक का रिजल्ट लाइव हो डिक्लेयर हो जाने के बाद एनालाइज करेंगे, देखेंगे कहाँ पे इतने सारे गलत कैसे हुए हैं। दोस्तों अगर आपने ये मॉक अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप जाके पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वापस आकर आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं किसी और वीडियो में।